बसमरिम अल्लाम दोस्तों दोस्तों सी प्लस प्लस कोर्स चल रहा है इस लेक्चर में हम सी एन के बारे में पढ़ेंगे यानी अगर हम यूज़र से डेठा इनपुट करना चाहे तो इसके लिए हम सी प्लस प्लस में सी एन यूज़ करेंगे तो सी एन को यूज़ करने के तरीक़ार ये है कि सी एन लिखना होगा इसके बाद दो ग्रेटर सिंबल्स डालने होंगे इसके बाद उस वेरिएबल उस टाइप यानी वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो आपने डिक्लेयर किया हो जो आपने डिक्लेयर किया हो अपने प्रोग्राम में तो मैं डाइव सी प्लस प्लस में जाता हूँ और दो वैल्यू यूज़र से लेना लेता हूँ और इसकी सम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना होगा और इसकी टाइप बतानी होगी तो मैं चूंकि वेरिएबल के लिए यानी मैं चूंकि एंटीजर का प्रोग्राम बना रहा हूं ताकि यूज़र दो एंटीजर ऐड करे यानी इनपुट करे और इसके बाद उसकी सम को ऐड करे ये प्रोग्राम तो सबसे पहले एक वेरिएबल मैं लेता हूं ए के नाम से और इसका टाइप होगा एंटीजर ठीक है अब मैं यहां पे एक मैसेज प्रिंट आउट करता हूं डिस्प्ले करता हूं सी आउट में यूजर से कि एंटर वैल्यू एंटर फर्स्ट वैल्यू एफ फर्स्ट वैल्यू ठीक है इसके बाद ये मैं न्यू लाइन में चाहता हूँ कि ये वैल्यू आ जाए तो इसके लिए एंड एल लिखना होगा लिखने के बाद फिर सी एन यानी मैं यूजर से लेता हूँ तो सी यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सी एन को यूज करना होगा इसके बाद ए लिखना होगा क्योंकि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है यानी जिस वेरिएबल के लिए वैल्यू पोट करना होता है उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो होता है यानी यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया है एंट ए तो ये फर्स्ट वैल्यू के लिए मैंने डिक्लेयर किया है और सी एन में ए मैंने पोट किया है अब इसी तरह एक इनदर वेरिएबल लेता हूँ बी के नाम से और उसकी टाइप एंट लिख देता हूँ अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज डिस्प्ले करता हूं यूज़र के लिए एंटर सेकेंड वैल्यू ठीक है एंटर सेकेंड वैल्यू तो यहां पे न्यू लाइन में मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो एंड एल लिखना होगा अब इसके बाद सी एन में यानी सी एन में जो दूसरे नंबर पर वैल्यू है वो यानी बी के लिए यूजर जो वैल्यू पुट करेगा वो सी एन बी होगा ठीक है अब इसी तरह एक और मैसेज यानी अब इन दो वैल्यू की यानी जो यूजर वैल्यू पुट करेगा ए के लिए जो वैल्यू पुट करेगा या बी के लिए जो वैल्यू पुट करेगा इसकी सम को यानी समेशन रिजल्ट समेशन बता दे सम बता दे उन दो वैल्यू के तो यहां पे क्या लिखना होगा एंट ठीक है सी एक अदर वेरिएबल ले ले इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है अब यहां पे सी आउट में सॉरी सी आउट में मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूं और या फिर आउट में डायरेक्टली मैं सी लिख देता हूं ठीक है अब इसको रन कर देते हैं कि वाकि ये इसी तरह होता है या नहीं होता यानी ये प्रोग्राम यूजर से वैल्यू लेता है या नहीं लेता ए के लिए वैल्यू बी के लिए वैल्यू और फिर उस उन दो वैल्यू की समेशन को शो करता है या नहीं करता तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रन कर देते हैं यहाँ देखे एंटर फर्स्ट वैल्यू देखे यहाँ देखे फर्स्ट वैल्यू मैं टू एंटर करता हूँ इसके बाद एंटर सेकंड वैल्यू यहाँ देखे ये यह जो नजर आ रहा है एंटर सेकंड वैल्यू यहाँ पे मैं थ्री एंटर पोर्ट करता हूँ तो रिजल्ट यहाँ पे जो शो हो गया फाइव अब मैं मजीद इसके साथ कुछ ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ लिखना होगा Uh, यानी कॉमर्स के अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के दसम एज सॉरी दसम एज ठीक है फिर आउट में यानी एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं अगर एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में सिर्फ ये लेके सी आउट सी सी आप इसी तरह भी लिख सकते हैं अगर इसकी बजाय हम एक ही लाइन में लिखना चाहें यानी इस लाइन में ये लिखना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा यहां से मिटा दें और फिर सिर्फ ये जो स्मॉलर सिंबल है इसको सिर्फ लिखने होंगे दो स्मॉलर से यहां पर आउट की जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की तो सी लिखने के बाद ये सी रिजल्ट डिस्प्ले करेगा यानी सी में ए प्लस बी की वैल्यू डिस्प्ले यानी ए प्लस बी शो करेगा ठीक है ये जो सी मैंने साइन किया है ए प्लस बी की ए प्लस बी को सी साइन किया है सी के लिए साइन किया है तो यहां पे ये यह जो ए प्लस बी वाला वैल्यू है वो शो करेगा तो ठीक है अब आते हैं दोबारा रन कर देते हैं यहां देखे अब एंटर फर्स्ट वैल्यू यहां पे मैंने मैं थ्री एंटर करता हूं सेकंड वैल्यू फोर एंटर करता हूं तो यहां देखे द सम सेवन तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं सी आउट यानी सी आउट हम किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज अ मैसेज डिस्प्ले होंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स के अलावा जो चीज़ यानी यहाँ पे मैंने ये जो सी एक फार्मूला सॉरी एक इक्वेशन लिख दी है सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अब जो ही यानी यहाँ पे मैंने सिर्फ सी लिख दिया है तो सी इसलिए लिख दिया है कि ये यहाँ पे ये यह जो रिजल्ट है ए प्लस बी का ये शो करेगा और सी एन को हम यूजर से डेटा इनपुट करने के लिए प्रोग्राम में यूज करते हैं सी प्लस प्लस में बस आज के लिए इतना ही काफी है नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत खुदा हाफिज थैंक्स व